लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। भारत माता किधर है? चलो डायरेक्टर बुला रहे हैं। चलो चलो चलो। हाय शिवाजी। Hi, how are you all? ठीक है जी। Morning, QTV. Jay, any calls for me? No, Shiva, no calls for you. Hey, Shiva. Hi, Leila. आज का प्रोग्राम क्या? Music video shoot करने जाना है। Oh, good, good. Hey, खड़े क्यों? चलो, चलो, चले चले। अरे कपड़े तो पहन के आओ। Hey, 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 hey. ये मेरे कपड़े हैं। मैं तुम्हारी senior program executive हूँ और तुम एक cameraman. So just stay in your limits. Okay, I'm sorry. By the way, टोपी कहाँ है? टोपी यहाँ। Not this Topi man, your assistant Topi. Where is he? Oh, shakalaka baby, shakalaka baby, shakalaka baby. कितना लकी माया का, देखो कहाँ जाके बैठ गया। टच वुड। अब आप कुछ बोलिए। क्या बोलूँ? यही कि आई लव यू टोपी डा। टोपी! बाप रे क्या सुर है। सुर नहीं, ससुर है, इधर देख। अबे तू? हाँ, ये माइक मैन नहीं, लाइट मैन है, वो भी एकदम ऑर्डिनरी। यू स्काउंडरल! अबे चुप, उजड़े चमन, गधे, बुढ़ो, तेरी तो तेरे को उठा कर ले जाए, कचरे के डिब्बे में डालता हूँ। अबे वो लड़की, आई लव यू तक बोल चुकी थी और तू, तेरा कलेजा जलने लगा जो अंगार फूंक रहा है। अबे बगर पानी के मगरमच्छ, टू मच बोल मत। तू पहले मेरे को ये बता, तू मेरी बेटी मैगी से शादी करेगा या नहीं? मेरे को शादी की तारीख पक्के करनी है। चुप कर फटी बांसुरी, जरा फूंक न मारा और बजने लगता है। मैं तेरी बेटी से शादी करूंगा। तू मैगी से शादी नहीं करेगा? अबे तू चाउमीन, तेरी बेटी दो मिनट के नूडल, हटे ले, मैं शादी करूंगा। तू मैगी से शादी नहीं करेगा? नहीं। फिर मैं तेरे वीक स्पॉट पे टच करूंगा। तू टच करके बता। टच करूंगा। तू टच के बता भाईजान। हां यस, जरा इनसे पूछिए बात क्या है। क्या बात है? आप बीच में मत पड़िए सर। क्या बोला? इडियट कहीं का। क्यों, अब मैगी से शादी करेगा या नहीं? चुप्पे, सर पे घास नहीं, बदन में सांस नहीं, टोपी की वीकनेस को टच करता है। क्या तेरी बेटी से मैं शादी नहीं करूंगा। टोपी, तुम्हारे लिए फोन। एमडी ऑन द लाइन। हेलो टोपी। सर, तुमने हमारे क्लाइंट को छक्का बोला। सर, आई हैव वन वीकनेस इन माय, व्हाट डू यू कॉल कवर इन इंग्लिश? हिप। हिप, समबडी गुदगुदी इन माय हिप, बॉलिंग जाबे छक्के। डोंट जोक विद मी टोपी, आई वांट एन एक्सप्लेनेशन नाउ। व्हाट यू आर टेलिंग मी? चुप रहना कुत्ते। कुत्ते? कुत्ते नहीं सर, जाबे। यू इडियट, यू आर इमीडिएटली फायर्ड आउट। टोपे, अब मेरी बेटी मैगी से शादी करेगा ना? चल फोन। टोपे, अरे भाई मेरी तो नौकरी गई यार। हरिया, एमडी को जरा समझाना मेरी कमजोरी के बारे में। चल तू बैठ पहले। हाँ बता, क्या है तेरी कमजोरी? अरे वही यार, जब भी कोई मेरी कमर टच करता है ना तो मेरी क्या बोला? अबे गाड़ी रोक, अबे छोड़ के कहाँ जा रहा है? अबे गाड़ी रोक, अबे मैं छत पे बैठ के जाऊंगा यार, रोक तेरे पास बैठ जाओ भाई। अबे हाय पापा। आओ बेटा, आओ। आज का कार्टून कौन है, क्या क्या था पापा? बस ये देखो। ये क्या, आपने तो मुझे पॉलिटिशियन बना दिया। पता नहीं क्यों बेटा, आज यो ही मन किया, अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाकर देखो। मुख्यमंत्री? लगता है आप सोकर देर से उठे। नहीं रे, आज पंडित जी को तुम्हारी कुंडली दिखाई थी शादी के लिए, बस देखी और एकदम खड़े हो गए, बोले कि 80 साल में ऐसी कुंडली सिर्फ दूसरी देखी है। तुमसे पहले अपने लाल बहादुर शास्त्री थे ना, उनकी कुंडली में ऐसा योग था। क्यों रे, एकदम नेता बनेगा क्या? अरे बोलते मैं स्टार टीवी या सीएनएन में प्रोग्राम डायरेक्टर बनूंगा या ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतूंगा तो मैं भी खुश होता। अरे भेजा भी तो राजनीति में, राजनीति जानते हो क्या है? गटर है, गटर, अ बिग पॉट होल। ये लीजिए। अभी मेरे शिवा का नाम आएगा, छायांकन शिवाजी राव। अरे जाओ जाओ, लड़की वालों को फोन करो। धात, 5 मिनट और नहीं दिखा सकते थे? बनिए कहीं के। एक सेकंड के लिए तेरे बेटे का नाम दिखाया, उसके लिए इतना नाटक, मैं तो डर गया कि कोई साहब आ गए। तुम्हें कुछ पता नहीं, तुम चुप रहो जी।
क्योंकि सास भी कभी बहू कर रहे हैं। कल 50 पैसा हारा तो अभी तक दिया। दे दूंगा, नहीं दिया तो मैं आपका। क्योंकि सास भी कभी बहू। ये क्या, ये मेहंदी क्या लगा रही? हाँ मेहंदी लगा रही हूँ। मैं अभी बच्चा नहीं जो मुझे मेहंदी लगा रही हो। हाँ हाँ जानती हूँ, बहुत बड़ा हो गया है तू। लेकिन तू कितना बड़ा क्यों ना हो जाए, मेरा बेटा ही रहेगा, समझा? ये फोटो देख और लड़की पसंद कर। ये बिल्कुल तुलसी लगती है ना, और ये देख ये देख, ये तो बिल्कुल हीना लगती है। हीना? मैंने इसे तेरा फोटो दिखाया था, कहने लगी ये तो शक्तिमान दिखता है। शक्तिमान? पापा समझाओ ना इन्हें, मैं शक्तिमान दिखता हूँ? अरे बीवी होती तो समझाता, टीवी को कैसे समझाओ? डोर क्लोज। तू बता बेटे, ये तुझे अच्छी नहीं लगी? अच्छी है, लेकिन वो बात नहीं है माँ। क्या बात? वो एक बात जो जो एक बार देख ले तो पेट में तितली सी उड़ती है, यहाँ से निकलती है और दिल तक पहुँचती है और बोलती है डन फुल एंड फाइनल। वो हम पांच में तीसरी को देखकर तितली उड़ती है क्या? अच्छा तू इडियट बॉक्स देख देख के इडियट जैसी बातें करती है। आप चुप रहिए जी, जब देखो एड ब्रेक की तरह बीच में टपक पड़ते हैं। तू बता बेटे तुझे कैसी लड़की चाहिए, मैं ला कर दूंगी। हाँ प्रॉमिस। बादल जैसे उसके बाल हो, मछली जैसी उसकी आंखें हो, गुलाब के फूल जैसे उसके होंठ हो, तोते जैसी उसकी नाक हो, मोर सी गर्दन और कमल के फूल जैसे उसके हाथ हो, तो कुछ बात बने ना ऐसी। आप तो लड़की देखने मत ही जाइएगा, पता नहीं किसे पकड़ कर लाएंगे। I deserve this. अरे ये कोई लड़की बनाई है, ये तो चुड़ैल लगती है। मिसेस टीवी, शादी से पहले आप भी ऐसी थी। और आप कैसे थे? अरे हम तो जवान। ये ना, ये तो बिल्कुल कार्टून लगते थे। कार्टून। मेरी जगह ले ली तूने। अरे किस्मत वाला है। नमस्कार एंड वेलकम टू फूल गांव। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है, और आज यहां दौरे पर आने वाले हमारे मुख्यमंत्री मिस्टर बलराज चौहान, और इसे क्यू टीवी की तरफ से कवर करेगी वन एंड ओनली आपकी फेवरेट ऊ ला ला यू कैन स्टिल लैला। सो फॉलो मी। वेलकम सर। नमस्कार मंत्री साहब। आइए मंत्री जी। नमस्कार। सर मत झुकाइए, ये आपके लिए नहीं है, आम्बेडकर की मूर्ति के लिए। कैसे चीफ सेक्रेटरी हो तुम, पहले बताना था ना, इडियट। काहे का सीएम है, काला अक्षर भैंस बराबर पूरा प्रोग्राम टाइप करके दिया था। साहिब साहिब, मंत्री जी फोकट में धोती बांट रहे क्या? अबे धोती बांटना तो दूर, ये जो पहनी है वो कहीं निकाल ना ले। चल जा चल। छोड़ दो इसे, जाने दो जाने दो। ए इधर आओ। हम तो धन्य हो गए साहब, बस आपसे हाथ मिलाना चाहता है साहब। गाड़ी चलाओ साहब, सुबह से आपके लिए यहाँ खड़ा है साहब, एक बार हाथ मिला रहा हूँ साहब। साहब मेरे को आपसे हाथ मिलाना है साहब, बहुत बहुत धन्यवाद साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। टोपी जरा कैमरा सामान। मूव इट शिवा, कम ऑन। अब तो गांव में पानी बराबर आ रहा है ना, जब से आप सीएम बने पानी ही पानी है चारों तरफ। ये स्ट्रीट लाइटें कब लगवाई गई? ये लाइट सर साल भर हो गया सर। झूठ बोलता है। कौन बोला? कौन बोला? हम बोले। बेटी ये लाइटें कब लगवाई गई यहाँ? आप आने वाले थे ना, इसलिए परसों ही लगाया है, बस बिजली भी नहीं अब तक दी है। ये लोग सब आपके सामने झूठ बोल रहे हैं। ए लड़की ज़बान बंद कर अपनी। हा? कुछ मालूम नहीं और सीएम साहब के सामने भागे जा रही तू? ए शोर मत मचाओ, शांत रहो शांत रहो। क्या करते हो तुम लोग? स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का चेयरमैन तुम्हारे इलाके से है, चार चार ए ई है, 40 जेई है, सैकड़ों वर्कर काम कर रहे हैं, फिर क्या झक मार रहे हो तुम लोग?
सर सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की गलती नहीं है, वो ठेकेदार है ना उसने। मुझे कुछ नहीं सुनना है। इन लोगों ने मुझे वोटें दी हैं और मैंने इनको वादा किया था कि सड़कों पर लाइटें जलेंगी, तो फिर क्यों नहीं जल रही है? दादा लोगों ने वोट दिए हैं लेकिन यहाँ के ठेकेदार वली साहब ने नोट दिए हैं, 40 पेटी भेजी थी इलेक्शन के टाइम पे, सारी की सारी बिजली उनकी शुगर मिल में जाती है और माइनॉरिटी के 5000 वोट है उनके पास। ठीक है ठीक है, मुझे तुरंत यहाँ पर बिजली चाहिए। 2 दिन बाद वापस काट लेना। हटो, देखने दो। कौन बोला? किसको बोला छक्के? कितने गाली दिया? कितने बोला छक्के? 32। मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, ये तुम्हारे लिए है सच बोलने का इनाम। टोपी आज तू बाल बाल बच गया यार। ए छोरी, तुझे क्या जरूरत थी बकबक करने की? हम तो पागल है, चुप खड़े थे। घर में जो बिजली आ रही है ना वो भी कट जाएगी। अगर बिजली कटी ना तो हम तेरी जबान काट लेंगे। एक दिन मार खाएगी तू, हम तुझे गांव से निकाल देंगे। ये सच बोलने वाली। ऐसा क्या गुनाह किया मैंने? सच बोलना कोई गुनाह है क्या? क्यों रे पप्पू, बिजली आई क्या अभी तक? नहीं दीदी। यही तो मैं भी कह रही हूँ, सब लोग मुझे काम का डांट रहे हैं। अरे यार सीएम का सर्कस निकला जा रहा है, तू क्या लड़की पे लाइन मार रहा है? चल पहन कर। हाँ। फूल गांव किस खुशी में जा रहे हैं? एक फूल से मिलने। फिर तो बड़ा मजा आएगा। लेकिन उस फूल से सिर्फ मैं मिलूंगा। तो फिर मैं क्यों जा रहा हूँ? लोगों के जूते खाने। जावे छक्के। कौन है, किसने ताली बजाई? मैंने, पुतले ने। ए पुतले, तू कब से बोलने लगा? जो मुझे अच्छा लगता है मैं उसी से बात करता हूँ। वहीं से बात करो। कौन है तुम? नाम शिवाजी रावल भीम राव। पढ़ाई डिप्लोमा इन विजुअल कम्युनिकेशन। पेशा क्यू टीवी कैमरामैन। उम्र एक दिन, कल ही मेरा नया जन्म हुआ तुम्हें देखने के बाद। मेरी पसंद वो लड़की जिसने बिना डरे सीएम से सच बात बोल दी। मेरी नापसंद वो ट्रैक्टर जो बीच में आ रहा और डिस्टर्ब कर रहा है। पसंदीदा गाँव 1 जून से फूल गाँव। मैंने पाया है अपने कैमरे में तुम्हारी तस्वीर। मैंने खोया है अपना दिल। मैंने जाना है कि तुम दुनिया की सबसे सुंदर लड़की हो। मुझे जानना है तुम्हारा नाम। हम पुतलों पुतलों का अपना नाम नहीं बताते। हाँ तो मुझे बता दो प्लीज। अरे सुनो तो। ए पुतले, तुमने मेरी फोटो खींची थी क्या? हाँ क्यों? कुछ नहीं, ऐसे ही पूछा। अरे रुको रुको ना। अरे ए बस रुको, स्टॉप द बस। अरे रुको बस, रुको ए बस, रुको सुनो इडियट, स्टॉप द बस। रुको रुको बस रुको। ए किधर चढ़ रहा है तू? ये सिग्नल है, बस स्टॉप नहीं है, चल उतर नीचे। बस भी तेरे बाप की नहीं है, स्टॉप पर क्यों नहीं रोका? मेरा मर्जी नहीं रोका, तू उतरता है कि नहीं तो दूंगा साले तेरे को। 9 बजे का हमारा एग्जाम है, ये बस छूट जाती तो हमें एग्जाम लिखने को नहीं मिलता, इसलिए चढ़ा। एक तो बस नहीं रोका, ऊपर से शकबट्टी करता है। उतरता है कि नहीं? नहीं उतरूंगा तेरी तो। चल उतर नीचे। अरे क्या करता है, स्टूडेंट को धक्का देता है। भाई क्या हंगामा हो रहा है इधर? हमारे स्टूडेंट दोस्त को किसी ने मारा है, इसलिए हम हड़ताल कर रहे हैं। क्या हो रहा है यहाँ पर?
देखते नहीं पूरा ट्रैफिक जाम है, बस हटाओ यहाँ से। जानते हो मैं कौन हूँ? ड्राइवर, रूलिंग पार्टी का ड्राइवर हूँ, मालूम? तो क्या हुआ? जल्दी जाके कैमरा ला। तुम पहले स्टूडेंट लोगों को अरेस्ट करो, फिर बस हटेगी। ये ड्राइवर ने हमारा स्टूडेंट पे हाथ उठाया है, जब तक ये हमसे माफी नहीं मांगता हम लोग यहाँ से नहीं लेंगे। पहले बस को साइड में लगाओ, ट्रैफिक क्लियर होने दो, फिर बात करेंगे। बस नहीं हटेगी। अरे मेरी बात तो सुनो, मेरी बात सुनो। हेलो कंट्रोल रूम, होटल के पास बस ड्राइवर ने चक्का जाम कर दिया। हम वो कह रहे कि स्टूडेंट्स लोगों ने उनको मारा, स्टूडेंट्स कह रहे कि बस ड्राइवर ने उनको मारा। कोई किसी की नहीं सुन रहा है, और मैं इडियट करता रखा हूँ। सब लोग मारा मारी कर रहे हैं। कमिश्नर साहब को फौरन स्पॉट पर आने को बोलिए, नहीं तो संभालना मुश्किल हो जाएगा। अरे रूलिंग पार्टी खिसक रही है, फॉलो कर। हेलो अध्यक्ष महोदय। हाँ साहब, सकाराम शेल्के को स्टूडेंट लोगों ने ड्यूटी पर बहुत मारा, उसके सर से खून म्युनिसिपैलिटी की नल की तरह बह रहा है। बात यूनियन पर आ गई है, अभी के अभी हर जिले के ट्रांसपोर्ट यूनियन से बात करिए और पूरे राज्य में चक्का जाम करवा दीजिए। क्यों भाई, टैक्सी चलेगी? जरूर चलेगी, सर पे उठा कर लेके जाओ, चलेगी। चल जा। This is too much. कैम दिख रहा? ये बस 10 लोग जाएगी। दस लोग नहीं, पर लोग जाएगी। अरे कितना टाइम लगेगा? अबे ट्रैफिक जाम है, घर जाके सो जा। सो जा। पैसा देना। एक किसको बनाए? ऐसा जुल्म क्यों कर रहे हो? देखो आज 32 साल के बाद मेरी बेटी की शादी होने जा रही है। दूल्हा वहाँ बारात के साथ महालक्ष्मी मंदिर में खड़ा है और दुल्हन यहाँ है। मुहूर्त का समय निकला जा रहा है, अगर हम समय पर नहीं पहुँचे तो बारात वापस चली जाएगी। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, पाँव पड़ता हूँ, मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद मत करो भैया, मत करो। बस हटाओ भैया, बस हटाओ। यार भेजा मत खा। क्या मुसीबत है, कैसे पहुंचो टाइम पे? इंटरव्यू का टाइम हो गया, ये नौकरी भी हाथ से गई ना तो मुझे सुसाइड करना पड़ेगा। भैया भैया, मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ, कुछ तो करो, इस बस को तो हटाओ। मेरे पति को हार्ट अटैक हुआ है, कम से कम एम्बुलेंस को तो जाने दो, नहीं तो मर जाएंगे। हम क्या कर सकते हैं माँ जी, आगे की बस हटेगी तभी तो हम हमारी बस हटाएंगे। हे भगवान, अब मैं क्या करूँ? पब्लिक क्लियर करो, अब सिचुएशन कैसी है? सर मैं बोल बोल कर थक गया सर, ना ड्राइवर सुनते हैं ना स्टूडेंट्स। हटाओ, 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 हट जाइए। देखो जो भी झगड़ा है इस बस के ड्राइवर और स्टूडेंट्स के बीच है। इस बस का ड्राइवर कौन है? मैं हूँ साहब। जाओ हटाओ बस को। बस नहीं हटेगी साहब। नहीं 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 हटेगी। कौन? तुम बस चलाना जानते हो ना? जी हाँ। जाओ हटाओ बस को। अच्छा बस चलाएगा? देखता हूँ कैसे चलाएगा। चलाओ, चलाने दो बस को। ऐसा कैसे चलाएगा बता क्या? अब ये गाड़ी हमारी लाश के ऊपर से जाएगी। चलाओ गाड़ी, हिम्मत तो चालू करो, अपने आप हट जाएगा। चलाओ गाड़ी, हिम्मत तो चलो, चलाओ, हिम्मत तो चलाओ। तुम मेरे पर गाड़ी चलाओगे तो क्या हमारे साथ वाले हाथ लेते रह जाएंगे? मेरी चिता के साथ सारा महाराज चलेगा। चलाओ गाड़ी, चलाओ, चलाओ गाड़ी। इसमें जात कहाँ से आ गई? तो कैसे चलाते हैं? साहब हमारी जात के ड्राइवर पे दूसरे धर्म के हवलदार ने बस चढ़ा दी। हमने क्या चुड़िया पहन रखी है? गला काट देंगे सालों का। उनको पता नहीं कि हमारी औकात क्या है। सब कुछ रोक दो, एक पत्ता भी अपनी जगह से हिलना नहीं चाहिए। पूरा महाराष्ट्र बंद कर दो, रोक दो सबको। हेलो अल्फा टू कंट्रोल, फौरन सीएम साहब को करे करो। कमिश्नर साहब बात करना चाहते हैं। बोलो सर। यहाँ सिचुएशन बहुत खराब हो गई है सर, अगर आप परमिशन दे तो 5 मिनट में सबकी तांगे तोड़कर अंदर कर दूं। ओवा। ए, ज्यादा उछलो मत। उनमें से एक ड्राइवर मेरी पार्टी का है और दूसरा उन जात वालों का है जिन्होंने मुझे इलेक्शन में जिताया है, और वो स्टूडेंट्स हैं जो इलेक्शन में हमारा काम करते हैं। अगर इनमें से किसी को भी हाथ लगाया तो हमारा सपोर्ट चला जाएगा। सर वो लोग सपोर्ट खींच लेंगे समझ कर हम लोग खाम खा डरते रहते हैं, और ये छोटी मोटी लिटरेट पार्टियां जात और धर्म के नाम पे सरकार को धमकाती रहती। अगर इन लोगों को यही नहीं रोका गया तो सारे स्टेट को शमशान बना देंगे, कम से कम टीयर गैस छोड़कर भीड़ को तितर बितर करने के लिए। तितर बितर करेगा तू? अरे तितर बितर भीड़ नहीं, मेरी सरकार तितर बितर हो जाएगी। ये जिस कुर्सी पर मैं बैठा हूं ना, इसके चारों पैर मेरे नहीं है। एक है सहयोगी पार्टी का, दूसरा है इन जात वालों का, और तीसरा है उन लोगों का जिनके पैसों पर ये पार्टी चल रही है, और चौथा है हमारे कार्यकर्ताओं का। अगर इनमें से एक पैर भी टूट गया तो ये कुर्सी गिर जाएगी, और अगर ये गिर गई तो इसी कुर्सी को उठाकर तुम्हारे मुंह पर मारूंगा।
समझे? ये प्रॉब्लम्स कभी भी सॉल्व नहीं करनी चाहिए, बल्कि इनका इशू बनाकर राजनीति खेलनी चाहिए। कमिश्नर, नो अरेस्ट, नो टियर गैस। वो चिल्लाते हैं तो चिल्लाने दो, पहले चिल्लाएंगे, बाद में थक जाएंगे, फिर भूल जाएंगे। दो टीवी कहाँ ले जा रहा है? एक घर वाली के लिए, एक बाहर वाली के लिए। एक और ले जा रहा है अपनी साली के लिए। क्या करेगा साहब, तीसरा हाथ नहीं है ना? तीसरा हाथ दूं क्या? बसें जला रहे सर, पब्लिक प्रॉपर्टी कचरा हो रही है। यू हैव टू इशू शूटिंग ऑर्डर सर। अरे शूटिंग ऑर्डर देना होता तो कब का दे चुका होता। कुछ बसें जलती हैं तो जलने दो, दुकानें लुटती हैं तो लुटने दो। मैं दो चार को पकड़कर एक कमेटी बनाकर स्पॉट पर भेजता हूँ, तब तक संभालो। शिट, क्या चार पैसे का सीएम है, कोई डिसीजन नहीं ले सकता। अब तक एग्जाम शुरू हो गया होगा, मेरा पूरा साल बर्बाद। सॉरी माँ जी, ये अब नहीं रहे। मुझे छोड़ कर चले गए। ओ गॉड, इसका तो बहुत खून बह रहा है यार। अरे बाप रे, कहीं मरने जाए भाई ये। यहाँ आसपास कोई अस्पताल है? एक किलोमीटर दूर है। देखिए अस्पताल यहाँ से मुझे ले जाए, कैसे ट्रैफिक जाम है। जरा कैमरा सामान ला इधर। हेलो कुमार, कैसे हो? ठीक हूँ। और जरा देर होती तो जान जा सकती थी। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू मुझे नहीं, इन्हें कहिए जिन्होंने आपको सही वक्त पे यहाँ पहुँचाया। थैंक यू सर। इट्स ऑल राइट, टेक केयर।